मेरे पेरेट्स साथी हो कैसे हो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे आज आपको परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट लिया गया है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए कर जाएंगे और सभी महत्वपूर्ण तो होने वाले है इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो इस प्रकार रहने वाला है पैंतीस का कितना प्रतिशत चौदह होगा तो इसको सबसे आसान भाषा में समझना है आपको तो इसमें कुछ नहीं करना है पैंतीस का है तो इसको आप नीचे रख देंगे और चौदह एन टू सौ बटा पैंतीस ठीक है जिसको काटेंगे सात से काट देते हैं तो ये पाँच बार कट जाएगा और इसको सात दो ने चौदह हो जाएगा इसको काटेंगे सौ से तो बीस बार कट जाएगा और इन दोनों गुणा कर देंगे तो चालीस हो जाएगा बिल्कुल आसान भाषा में तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा चालीस हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार से इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये भी अच्छा क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं करना इसमें दे रखा है पैंतीस का दस परसेंट बराबर यानी बराबर दे रखा है इसमें तो इसमें अपन को कुछ नहीं करना है दो तरीके से बताएंगे आपको इसको इसमें फर्स्ट तरीका है थ्री एक्स बराबर दस बटा सौ हो जाएगा ठीक है ठीक है ना इसमें ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगी ये गुणा हो जाएगा तो इसमें तीस आंसर आ जाएगा ठीक है फर्स्ट तरीका तो ये है इसका और अगर सेकेंड तरीका आप जानना चाहते हो तो इसमें बराबर है तो इसमें बदल जाती है वैल्यू ठीक है तो इसमें दस तीन थ्री इंटू दस, दस है ना सौ बटा दस ठीक है इसमें ये भी तीस बचेगा फिर ठीक है क्योंकि दस बच रहा है ऊपर तो ये भी तीस हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से आप कर सकते हैं ठीक है क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाती है क्योंकि पहले थ्री नीचे आता था, था। लेकिन इसमें बराबर दे रखा है तो ये संख्या चेंज हो जाएगी ना ये नीचे आएगा अब इसका मतलब ये होगा ठीक है इस चीज़ का मतलब से ये संख्या बदल गई अगर इसमें बराबर नहीं होता तो थ्री नीचे आता दस ऊपर आता ठीक है इसी प्रकार से आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ेगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है अच्छा क्वेश्चन है लगने को तो सिंपल लगता है किसने लेकिन करते हैं जब गलत हो जाता है ठीक है इसमें दे रेखा दसमलों में व्यक्त करने पर दो सौ परसेंट बराबर है यानी इस वैल्यू के बराबर कौन सी वैल्यू है जो इसके बराबर है इस चीज़ को आपको देखना है तो इसमें कुछ नहीं करना है। यही दे रेखा सी ऑप्शन दे सी इसमें दो सौ पॉइंट पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू दे रखिए दो दो जीरो दे रखिए तो दो जीरो पॉइंट रखेंगे नीचे ठीक है तो दो जीरो दो जीरो कट जाएगी तो फिर कितने बचेगा दो सौ यानी यह एक ऐसी वैल्यू है जो दो सौ के बराबर है ठीक इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार से आपको ऑप्शन की तरह से करना पड़ेगा इसको ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा अच्छा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिक्स पॉइंट निम्नलिखित में से जीरो पॉइंट छः सौ पैंतीस के बराबर है यानी अभी जो क्वेश्चन थ्री नंबर का था उसी तरीके से इसको करना है इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको तो ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन दे रखा है तो डी ऑप्शन की तरफ से आपको देखना इसमें दे रखा है जीरो पॉइंट ठीक है ना छह सौ पैंतीस परसेंटेज दे रखी है तो अपन परसेंटेज का सौ लिख देंगे ठीक है तो आपको पता है तीन संख्या के बाद में इसमें परसेंटेज तीन जीरो लग जाएगी इसमें तीन संख्या के बाद बराबर वैल्यू हो जाएगी तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को देख के आपको कर लेना सबसे सिंपल तरीका यही है इसका ज़्यादा ज्ञान आपको लगाना नहीं है ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अच्छा क्वेश्चन है यदि राम की आई राम की आई श्याम की आई से बीस कम है ठीक है तो राम की आई श्याम की आई से कितना प्रतिशत अधिक होगी तो अपन राम लिख लेते हैं एक तो एक श्याम लिख लेते हैं जो राम की आई है ना वो श्याम की आई से बीस कम है यानी ये अस्सी हो जाएगा और श्याम अपना सौ हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिप्रेस देखेंगे तो कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा और किससे पूछ रहा है श्याम के राम की, श्याम की आई राम से तो राम अपना अस्सी आई अस्सी रख देंगे इसको गुणा इससे कर देंगे सौ से कर देंगे जीरो से जीरो कट जाएगा इसको इससे काटेंगे ये कट जाएगा तो ट्वेंटी फाइव इसका राइट आंसर आ जाएगा ट्वेंटी परसेंट अधिक हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और एक आसान भाषा में भी है अगर आपको राम दे रखा है शाम दे रखा है या चीनी दे रखी कुछ भी दे रखा है और एक ही परसेंटेज है पूरे किश्चन में तो कुछ नहीं करना इसमें दे रखा है बीस तो उसको बीस लिख लेते डायरेक्ट ही और परसेंटेज अगर अधिक हो तो एक सौ बीस लिख देंगे अगर परसेंटेज कम हो रही है तो अपन अस्सी लिख देंगे और इंटू सौ कर देंगे इसको काटेंगे चार बार इसको काटेंगे तो वही पच्चीस अपना राइट आंसर आ जाएगा ठीक है इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं और इस तरीके से आपको करना ही है ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है नेक्स्ट पेज पे होगा अच्छा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है यदि एक वस्तुनिष्ठा अंगणित दर्शनीय का मूल्य संस्करण में दस परसेंट और तृतीय संस्करण में बीस परसेंट बढ़ जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको इसमें भी आसान भाषा में आपको दो तरीके से बताऊँगा मैं लेकिन अभी आज आपको एक तरीके से बताता हूँ इसमें बढ़ोतरी हो रही है तो एक लिख लेते हैं पहले ठीक है उसके बाद में 120 बीस बटा दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी और ये कितना हो जाएगा एक सौ बत्तीस हो जाएगा ठीक है तो इसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है बत्तीस की तो इसका राइट आंसर बत्तीस हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा बत्तीस यही है इसका सिंपल तरीक़ा से इस तरीके से आपको करना है इसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप हाँ। इसमें दे रखा है चीनी का मूल्य पंद्रह प्रति किलोग्राम है पहली चीनी के मूल्य में बीस परसेंट की वृद्धि होती है तथा तो फिर बीस परसेंट की होती है फिर बीस परसेंट घटा दिया जाता है तो चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको इसमें दे रखा है पंद्रह ठीक है पंद्रह लिख लेते हैं पहले और बीस की वृद्धि हो रही है तो बीस एक सौ बीस नीचे आ जाएगा अस्सी घट जाता है ठीक है इसको आपको हल कर देना आपका आंसर आ जाएगा जीरो से जीरो कट गया तीन चौको बारह हो जाएगा और तीन पंजो पंद्रह हो जाएगा ठीक है इसको काटेंगे चार दो नहीं आठ और दस इसका राइट आंसर आ जाएगा ठीक है दस इसका राइट आंसर आ जाएगा बस इसी प्रकार से आपको करना है ठीक है ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मिटा देते हैं इसको थोड़ा नेक्स्ट किस्म में कुछ नहीं है नेक्स्ट किस्म भी सिंपल है बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ नहीं है बिल्कुल सिंपल है इसमें दे रखा है यदि चीनी के मूल्य में बीस परसेंट की, की बढ़ोतरी करने पर पच्चीस की कमी हो जाती है वही क्वेश्चन है यानी एक सौ बीस की बढ़ोतरी हो रही है और पच्चीस की कमी यानी पिचहत्तर हो रहा है बटा सौ कर देना है पच्चीती पचहत्तर पच्चीस चौकीस सौ ठीक है इसको काट देंगे कितनी बार कट जाएगा चार ती बारह तीन यानि तीस हो गया और नब्बे यानी दस परसेंट की इसमें कमी हो जाएगी ठीक है दस परसेंट की इसमें कमी हो जाएगी यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ठीक है क्योंकि जब नब्बे हो रहा है तो सो में से नब्बे गए तो दस ही बचेगा ना भैया तो इसमें दस परसेंट की कमी हो जाएगी ठीक है इस प्रकार से कर लेना आप ज़्यादा दिमाग लगाने तरीके बहुत है देख तो इसका नाम तरीके बहुत है इसमें लेकिन जो समझ में आए वो अपना बस इस चीज़ का ध्यान रखो आप तो ठीक है इसमें दे रेखा ये तो चीनी के मूल्य में पच्चीस की वृद्धि होती है तो वही तरीका है बस पच्चीस की वृद्धि हो रही है तो डायरेक्ट पच्चीस लिख लो आप और बटा एक सौ पच्चीस कर दो और इंटू सौ कर दो ठीक है बस काट दो पीट दो बस कुछ नहीं है आपको पच्चीस पंजा एक सौ पच्चीस हो जाएगा और इसको काट देंगे तो बीस बार कट जाएगा ये इसका राइट आंसर तो बीस हो जाएगा बस इतना ही करना है कुछ आगे आपको करना है नहीं है बस सिंपल तरीके से यही इसका इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है पच्चीस की कमी करने पर खर्चे कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ठीक है उसी तरीके से आपको कल लेना है इसको ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी इसमें बीस आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छा ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए होगा इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ इसमें दे रखा है यदि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे ठीक है दो उम्मीदवार थे कुल मतदान पाँच परसेंट में से पाँच प्रतिशत अपना मत का प्रयोग नहीं किया नाइन्टी फाइव का ही यूज़ किया गया है मत में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और जीतने वालों को फिफ्टी परसेंट मत मिला है यानी जीता है उसको फिफ्टी परसेंट मिल गया ठीक है हारने वालों को फिफ्टी परसेंट मिला है इसका मतलब तो दो हजार मतों से विजय हो गया है एक मिनट यानी दो हज़ार मतों से विजय हो गया यानी ये दो हज़ार मतों से विजय हो गया ठीक है तो हारने वाले को कितना मिला ये चीज़ आपको इतना मैंने बता दिया आगे का प्रोसेसर आपको करना है ठीक है अगर नए आए तो कमेंट बॉक्स में कर देना मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ठीक है इसके बाद में नया क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पैंतालीस परसेंट अंक प्राप्त करना पड़ता है राम ने तीस परसेंट अंक प्राप्त किए साठ अंगों से अनुत्रण होने पर कुल पूर्णांक तो पूर्णांक का आप मतलब ये पूर्णांक के अंदर कुछ नहीं होता अगर अंक दे रखे तो उसको ऐड कर देना है और अगर परसेंटेज की बात परसेंटेज जितने भी दे रहे हैं उनको सिर्फ को माइनस कर देना है ठीक इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ठीक है यानी कि माइनस माइनस रहेगा वो इस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें दे रहेगा परसेंटेज पैंतालीस देख लो पैंतालीस हो गया और दूसरा कितना तीस परसेंट तो ये कितना हो जाएगा पंद्रह ठीक है और साठ अंक हो रहे हैं साठ बटा पंद्रह इंटू सौ कर दो कितना हो गया चार सौ तो इसका पूर्णांक जो कितना होगा चार सौ हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से आपको करना है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी एक परीक्षा में सीता ने तीस अंक प्राप्त किए और पचास अंक से अनुत्तीर्ण हो गई तो इस परीक्षा में राम ने चालीस अंक प्राप्त किए उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से बीस अधिक ले आई यानी एक तो तीस परसेंट अंक प्राप्त किए तो पचास अंक से अनुत्तीर्ण हो गई यानी फेल हो चुकी है और चालीस अंक प्राप्त करने पर भी बीस अधिक हो गए न्यूनतम से भी बीस अधिक हो गए तो पूर्णांक बताना है और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक कितना मिले थे इसे ये आपको बताना है इसमें कुछ नहीं करना भैया सिंपल है बिल्कुल ही इसको कुछ नहीं करना है इसमें सबसे पहले वही तरीका सबसे पहले अपन पूर्णांक निकाल लेते हैं पूर्णांक निकालने के लिए सबसे पहले परसेंटेज परसेंटेज एक तरफ कर लेते हैं यानी तीस परसेंट और चालीस परसेंट तो ये तो दस बच गया ठीक है इसके बाद में देखो अंक कितने हो रहे हैं इसमें अंक हो रहे हैं इसमें पचास अंक और बीस अंक ठीक है पचास और बीस सत्तर हो गई ये तो सत्तर बटा दस इंटू सौ ठीक है तो कितना हो गया अपना ये सात सौ अंक इसके हो गए टोटल यानी कुल पूर्णांक कितने का हो जाएगा सात सौ का ठीक है इसके बाद में अपनों को निकालना है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना होगा तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से थोड़ा इसको सबसे आसान भाषा में देखना है अपनों को अपना पूर्णांक दिया सात सौ तो सात सौ इंटू तीस यानी इससे भी अपना यूज कर सकते हैं तीस और पचास का भी यूज कर सकते हैं या चालीस और बीस का भी यूज कर सकते हैं दोनों में से आप किसी का भी यूज़ करेंगे तो अपना पूर्णांक आ जाएगा ठीक है यानी उत्तीर्ण होने वाली संख्या आ जाएगी तो तीस परसेंट निकाल देते हैं इसका तीस परसेंट निकालने के लिए आपको पता ही है सात इक्कीस यानी दो सौ दस हो गया और वो कितने अंकों से पहल हो रहा था पचास से तो इसमें पचास ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दो सौ साठ दो सौ साठ इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है दो सौ साठ इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर अपन इसको देखते हैं चालीस वाले से देखते हैं तो सत्तर इंटू चालीस करेंगे बटा सौ करेंगे ठीक है अट्ठाईस यानी दो सौ अस्सी हो जाएगा और दो सौ अस्सी में से बीस अधिक हो रहे हैं तो बीस कम कर देंगे तो वही दो सौ साठ आ जाएंगे इसमें कम हो रहे थे इसलिए जोड़ दिए और इसमें अधिक हो रहे थे तो अपन इसको माइनस कर देंगे इसी प्रकार से आपको करना है और पर्सेंटेज में अगर लाना है तो कुछ नहीं करना जैसे इसमें दो सौ साठ दे रखा था दो सौ साठ बटा सात सौ इंटू सौ कर देंगे तो परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी ठीक है पास होने वालों की ठीक है यानी उत्तीर्ण होने वाले जो तो परसेंटेज वो भी आ जाएगा और कितने अंक प्राप्त किए उत्तीर्ण वाले वो भी आ जाएगा दो सौ साठ आ चुके हैं तो ठीक है इस प्रकार से अपन को हल करना है इसके बाद में नेक्स्ट देखिए अच्छा किसने भी इसमें देखा किसी भी त्रिभुज के आधार पर दस परसेंट की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी वही तरीका बस दस बटा एक सौ दस सौ तो सौ बटा ग्यारह करते तो कितना होता है पता होना चाहिए आपको ठीक है यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार से आपको करना है इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन भैया नेक्स्ट पेज पे अच्छा क्वेश्चन है इसको देखिए यदि किसी भी वर्ग की भुजा में बीस घटा दिया जाता है तो उसके क्षेत्र में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा भैया <zapirile> इसमें दे रखा है वर्ग वर्ग दे रखा है ना भैया तो इसको आपको करना पड़ेगा यानी किसी भी वर्ग की भुजा में बीस परसेंट घटा दिया जाता है तो उसके क्षेत्र में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी कितने परसेंट कमी हो जाएगी उसमें कितने परसेंट की कमी हो जाएगी इसके लिए आपको इस सहलत को आपको करना है डब्ल्यू एच यानी होमवर्क ये आपके लिए ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है भी एक आयत की लंबाई में दस परसेंट की वर्दी करने पर बीस की कमी हो जाती है तो ये तो आपको करना ही है दस की वर्दी हो रही एक तो एक सौ दस हो जाएगा कमी हो रही तो बीस हो जाएगा एडिट को करेंगे तो ठीक है अट्ठाईस तो ते हो गया यानी बारह परसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से आपको इसको करना है इसके बाद में नेक्स्ट देखिए सतरवां क्वेश्चन सतरवां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है सतरवां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है इसके बाद आप देखना है आपको कुछ नहीं करना है इसमें किसी भी शहर में दस किसी शहर में साठ परसेंट हिंदू है और पंद्रह परसेंट मुसलमान है और शेष ईसाई है यदि मुसलमानों की संख्या तीन हज़ार है तो ईसाई की संख्या कितनी हो जाएगी तो आपको पता है, है कि सौ होता है कुल कुल कितना होता है सौ इसमें से साठ तो अपने क्या हो गए हिंदू हो गए ठीक है हिंदू हो गए और पंद्रह कौन हो गए मुसलमान हो गए ठीक है इसको एम से बता देते हैं इसको एस से ठीक है तो आपको पता होना चाहिए तो कितना हो गया पिचहत्तर तो ये हो गए बचा कितना पच्चीस ही बचा ना तो पच्चीस कौन बचा ईसाई बच गए अपने ठीक है तो पच्चीस परसेंट कौन हो गए इसमें ईसाई हो गए ठीक है पच्चीस परसेंट ईसाई हो गए यदि मुसलमानों की संख्या तीन हज़ार है मुसलमानों की संख्या तीन हज़ार है तो अपने तीन हज़ार लिख लेते हैं यहाँ पे ठीक है और मुसलमानों की परसेंटेज कितना दे रखा है पंद्रह पंद्रह परसेंट ठीक है तो दो सौ हो गए तो ठीक है पूछ क्या रहा है ईसाई ईसाई कितने ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव कर देंगे तो इसका पाँच हज़ार इसका राइट आंसर आ जाएगा ठीक है क्योंकि दो सौ इंटू पच्चीस करेंगे तो पाँच हज़ार होएंगे ना आपको पता है इस चीज़ का तो इसका राइट आंसर पाँच हज़ार हो जाएगा इसी तरीके से आपको दिमाग लगा के थोड़ा सा करना है बस आपका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इसका थोड़ा सा टाइटल मैं आपको समझा देता हूँ इसमें आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर सबसे पहले आय लिख लेना है ठीक है और यहाँ पर आपको खर्चा कर देना है और यहाँ पे आपको थोड़ी बचत कर देनी है ठीक है तो इसमें सो मांग के चलना है इसको डायरेक्ट तो अपना अस्सी खर्च हो गया ट्वेंटी बच गया ठीक है अब इसमें आपको सोलह से ही दो बटा तीन की वर्दी करनी है और खर्चे में आपको सैंतीस से एक बटा दो की वर्दी करनी है तो इसमें कितना परिवर्तन आएगा ये चीज़ आपसे पूछी गई है इसको आपको हल करना है ठीक है आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं सभी करवा दिए फर्स्ट पार्ट आज का इस बेसिक था जो आपको करवा दिया गया अठारह क्वेश्चन थे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट पार्ट होगा वो अच्छा क्वेश्चन होगा थोड़ा लेवल हाई किया जाएगा उसमें थोड़ा सा ठीक है सभी किस और आपने वीडियो को पूरा देखा होगा इन्जॉय के साथ देखा होगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपने कर लिया होगा नहीं किया तो आप जरूर कर ले क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे आप सीखते रहेंगे और धन्यवाद